हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। कल मुझे थोड़ा काम था तो मैं रात को लेट घर आया, तो मैं रात को ब्लॉग नहीं बना पाया पब्लिक। तो मैं आज सुबह ही उठ गया, मैंने ऊपर देखा भी नहीं कितना काम हो चुका है। मैंने परसों दिखाया था आपको, सिर्फ कुछ दीवारें ही उठी हुई थी, तो अभी जाकर देखते हैं कि कितनी दीवारें उठी है। तो चलिए पब्लिक चलते हैं ऊपर की ओर। अरे वाह पब्लिक, ये तो कमाल का धमाल हो गया। आप देख सकते हैं सिर्फ दीवारें क्या, यहाँ तो खिड़कियां भी लग चुकी है। विंडोज पब्लिक, ये क्या आगे तक लग चुकी है पब्लिक। ये तो मैं पिछले कल दिन भर बाजार में था तो मैंने देखा ही नहीं कितना काम हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4 विंडो, तो पब्लिक ये लोग तो 4 विंडो लगा भी चुके हैं मेरे पीछे पीछे से। यहाँ पर सिर्फ 2.5 फीट की दीवारें उठाई हुई थी, ये कोई भी खिड़की नहीं थी परसों तक। तो मैं जैसे ही पिछले कल बाज़ार गया, सुबह मौसम ख़राब था, मुझे पता नहीं कि मिस्त्री लेबर आए थे कि नहीं, मैं सीधे बाज़ार निकल के बाद मैं सीधा अभी आया यहाँ पर देखने। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि विंडोज़ खड़ी कर दी है और दीवारें भी 2.5 फीट से उठाकर बहुत ऊपर कर दिए, लगभग 3-3.5 फीट की दीवार लगा दी है साइड साइड से देखिए, और विंडोज़ भी उठा दी है। कहाँ गई विंडोज़, एक विंडोज़ यहाँ पे देखिए, 4 विंडोज़ उठा दिए इन्होंने कल। अरे बड़े फास्ट निकले हमारे लेबर मिस्त्री तो पब्लिक। ये देखिए ये फर्स्ट विंडो है, ये सेकेंड विंडो, वो थर्ड विंडो और वो फोर्थ विंडो पब्लिक। 4 विंडोज़ खड़ी हो गई है फिलहाल। अभी तक ना कोई दरवाजे मतलब कि डोर खड़े हुए हैं, और जो लास्ट की विंडो, एक विंडो परे भी रखी हुई दिखाई दे रही है हमें, ये भी नहीं लगाई है। मुझे लगता है आज आकर ये कुछ डोर लगा देंगे और कुछ विंडो जो बची हुई है शायद वो भी लगाएंगे। तो आज तो मैं घर पे ही हूँ पब्लिक, आज तो दिखाऊंगा आपको दिन भर पब्लिक। ये वाला रूम मेरा सबसे फेवरेट है, ये वाला रूम, क्योंकि इस वाली जो खिड़की है, ये मतलब इस कमरे की खिड़की है, इससे सीधा देखिए पर पूरी बेली दिखती है यहाँ से, मतलब पूरा पहाड़ वाला सीन, जंगल वाला सीन पब्लिक। जब पहाड़ों में बर्फ़ होती है तो मेरे रूम से ही बर्फ तो दिख जाएगी पब्लिक। और ये देखिए पब्लिक, ये है विंडो और यहाँ से व्यू देखिए, मतलब मैं सुबह सुबह उठूँगा तो सबसे पहले नज़ारे होंगे पहाड़ों के, और स्नो भी पड़ जाएगी इस साल सर्दियों में, तो स्नो भी दिखेगी वहाँ वहाँ पे। इस रूम में जो विंडो है सिर्फ यही नहीं है, ये विंडो है, इससे भी बाहर का नज़ारा दिखता है। मैं एक बार पीछे आता हूँ तो देखो यहाँ से, मतलब पूरी बेली यहाँ से भी दिखती है, और यहीं पर होती है पैराग्लाइडिंग पब्लिक। पैराग्लाइडिंग उड़ती है, जूम मार के तो थोड़ा दिखेगा नहीं, थोड़ा दूर है, तो पैराग्लाइडिंग भी दिखाऊंगा आपको पब्लिक। बैट एंड वॉच देखते रहिए। ये देखिए इस विंडो से भी नज़ारा दिखता है, जो ये किधर गया मेरा, ये टावर दिख रहा है ना आप लोगों को, बस इसके जस्ट अराउंड में चारों तरफ पैराग्लाइडिंग वाले उड़ते हैं। फिलहाल कोई पैराग्लाइडिंग उड़ नहीं रही, नहीं तो थोड़ी थोड़ी दिखाई देती आप लोगों को। चलो मैं दिखाऊंगा पैराग्लाइडिंग तो और दिन आपको। फिलहाल मैं नीचे रूम को जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, तो जैसे लेबर मिस्त्री आते तो आपको दिखाता हूँ पब्लिक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय पब्लिक।